अगर आपको अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा तो दोस्तों ये एगलेस स्पॉन्ज केक ही है। जी हाँ, सच में एगलेस केक इतना बढ़िया बना है। थोड़ी सी मैंने अपनी कलाकारी तो लगाई है, थोड़ा सा दिमाग लगाया है, थोड़ी सी साइंस लगाई है और सच में ये रिजल्ट आया है। दोस्तों आप ये एगलेस स्पॉन्ज केक की रेसिपी बना कर देखना। आपने यूट्यूब पे तो ऐसी रेसिपी नहीं देखी होगी। सिंपल है, घर के ही इंग्रेडिएंट से बनी है और क्योंकि एगलेस केक इतना स्पॉन्जी बना है तो यार इसी बात के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और इसको बनाना तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। ये रेसिपी एकदम बैक टू बेसिक्स वाली होने वाली है। तो अगर केक के बेसिक्स की बात करें तो दो टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं केक में, एक होता है वेट इंग्रेडिएंट्स और एक होता है ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स की बातें करते हैं जो कि स्ट्रक्चर देती है केक को। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है 1 कप मैदा, 1/4 कप मैंने मैदा लिया है फिर से, लेकिन ये जो आधा कप है एकदम कोने में जो है ये है दोस्तों, जिसको नॉर्मली हम इंडियंस अरारोट बोल देते हैं। आपके बहुत कमेंट्स आते हैं मेरे को कि भरत भाई ये अरारोट और कॉर्न स्टार्च क्या एक ही होता है, अलग होता है, क्या होता है? इंडिया में लोग अरारोट को कॉर्न स्टार्च से रिप्लेस कर देते हैं या एक ही बोल देते हैं, बट एक्चुअल में दोनों एकदम डिफरेंट चीजें हैं। अरारोट है एरो रूट का पाउडर और कॉर्न स्टार्च है कॉर्न का स्टार्च का पाउडर। दोनों एकदम अलग अलग प्लांट से निकले हैं, लेकिन इंडिया में लोग कॉर्न स्टार्च को अरारोट ही बोल देते हैं। जनरली आप मार्केट में लेने जाओगे, आप अरारोट बोलोगे तो आपको कॉर्न स्टार्च ही मिलेगा। तो ये तो हो गई एक टॉपिक के बारे में बात, लेकिन इस रेसिपी में ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, यानी कि कॉर्न स्टार्च एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है दोस्तों। वही यहाँ पर केक में एक एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस प्रोवाइड करेगा। एक तो स्टार्च है तो ज्यादा पानी को या मॉइस्चर को होल्ड कर रखेगा और केक को थोड़ा मॉइस्ट भी बनाएगा और सॉफ्टनेस भी देगा। खैर, वेट इंग्रेडिएंट जो हमने यहाँ पर लिए हैं वो है 1/2 कप दही, मैंने 1 कप चीनी ली है, लेकिन आप 1 कप चीनी से थोड़ा ज्यादा ही लेना, 2 टेबलस्पून और डाल देना पिसी हुई चीनी के, पाउडर चीनी चाहिए यहाँ पर। साथ साथ मैंने 3/4 कप दूध लिया है और 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है। बाय चांस अगर आप सोच रहे हो तो केक में गलती से भी ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सरसों का तेल, इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करना दोस्तों, आपके केक में इन्हीं की ही खुशबू आएगी। अगर सरसों का तेल का कर दिया तो मजा ही आ जाएगा केक खाने में, लेकिन जोक सपाट आप बिल्कुल भी मत करना। हो सके तो एक न्यूट्रल ऑयल का इस्तेमाल करना। न्यूट्रल ऑयल क्या करेगा कि ऐसे फ्लेवर जैसे कि वनीला, चॉकलेट, स्वीटनेस, इसको इन्हांस करेगा और आपका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा केक का। मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज किया है और वही मेरे हिसाब से बेस्ट रिजल्ट देगा। इस केक में आप घी, बटर इनका यूज नहीं कर सकते। अगर आपको केक स्पॉन्ज बनाना है, सॉफ्ट बनाना है, तो तेल का ही यूज करना है और हो सके तो रिफाइंड ऑयल का। तो सच बोलूं तो अच्छा केक बनाना है तो आपको रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि रिफाइंड ऑयल न्यूट्रल फ्लेवर के होते हैं, कोई फ्लेवर नहीं होता उनमें। खैर, शुरुआत में आपने तेल डालना है, फिर आपने दही डालनी है, एकदम टाइमिंग देख लेना जैसे मैं डाल रहा हूं, फिर आप चीनी डालना और साथ साथ मैंने यहां पर 1 टीस्पून तक वनीला एसेंस डाले हैं। सबसे पहले तेल को चीनी के साथ आप अच्छे से मिला देना, अच्छे से फेंटना थोड़ी देर तक ताकि चीनी अच्छे से मिल जाए और एक इमल्शन बनना शुरू हो। दही डाली है ना, वो इमल्शन करेगी, बेसिकली फैट और लिक्विड को जोड़ेगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर दूध डाला है। दोस्तों यहाँ पर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, दूध का ही करना है। और ध्यान रहे, अभी आपने 1/2 कप दूध डालना है, एग्जैक्ट क्वांटिटी बता रहा हूँ, 1/2 कप आप यहाँ पर दूध डालना और इसको अच्छे से मिला देना। अभी सारा यहाँ पर नहीं डाला है। तो ये आपका एक इमल्शन वाला बैटर तैयार है वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ। खैर, नेक्स्ट चीज जो आपने करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपने जिसमें बेक करना है उसको गर्म करने के लिए छोड़ना है। तो मैंने यहाँ पर एक भगोना लिया है क्योंकि भगोना सबके पास होता है घर में, आप आराम से इसमें केक बना सकते हो। मैंने भगोना लिया है, बस उसको आप लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए छोड़ देना। केक बनाने से पहले भगोना गर्म होना चाहिए या जिस भी यूटेंसिल में आप बनाने वाले हो केक वो गर्म होना चाहिए, बहुत जरूरी पॉइंट है। तो अब यहाँ पर ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने से पहले आप ध्यान जरूर देना कि सीधा ही ड्राई इंग्रेडिएंट्स को नहीं डालना, उनको छान के डालना। छान के ही वो सही से मिलेंगे और कोई गुठलियां नहीं बनेंगी। तो मैंने यहाँ पर छान के मैदा डाल दिया है और छान के अरारोट भी डाल दिया है और उसको आप अच्छे से विस्क कर लेना और आराम से बैटर पूरा बन जाएगा। लास्ट चीज जो हमें यहाँ पर करनी है, सीरियसली लास्ट चीज ही करनी है हमें यहाँ पर, ये कि जो केक टिन है उसमें आप बेकिंग पेपर लगा देना। आप बेकिंग पेपर का साइज ऐसे काट लेना जो आपने राउंड काटना है, कि आप पहले इसको फोल्ड करना, उसके बाद उसको फिर से फोल्ड करना और एक और बारी फोल्ड करके एजेस से काट लेना और बस आपको एक सर्कल मिल जाएगा।
तो पहले आप बेकिंग टिन में बटर लगा देना, और बटर के बाद आप ऐसे बेकिंग पेपर लगा देना नीचे। और हाँ, साइड्स में लगाना बिल्कुल मत भूलना, साइड्स में भी बटर और बेकिंग पेपर लगाना बहुत जरूरी है, तभी केक बहुत आराम से निकल कर आएगा। अच्छा, क्या करें अगर हमारे पास बेकिंग पेपर नहीं है? तो ये हो सकता है कि आप अच्छे से बटर लगाओ, उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दो और अच्छी तरफ सारी तरफ फैला दो, और जितना भी एक्सेस हो उसको टैप करके आप बाहर निकाल दो। ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन बेस्ट रिजल्ट तो पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर से ही आएगा। अगर हो सके तो आप उसी का ही इस्तेमाल करना। अच्छा, लास्ट चीज करनी है, अब हमें बस ये करना है कि जो बैटर है उसमें हमें इनो डालना है। अगर आपने स्पॉन्ज केक बनाना है तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा इसका यूज नहीं करना आपने। बेकिंग पाउडर में छोटे छोटे बबल्स आएंगे, वो रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपने बेकिंग सोडा यूज किया तो आपको कोई एसिडिक एजेंट ज्यादा क्वांटिटी में डालना पड़ेगा, जैसे सिट्रिक एसिड, नींबू। दही है इस रेसिपी में, लेकिन अगर दही के साथ बेकिंग सोडा रिएक्ट करेगा तो बहुत धीरे 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 करके रिएक्ट करेगा। तो जो बेस्ट रिएक्शन देगा वो इनो ही देगा दोस्तों, वो जल्दी से लिफ्ट देगा जिससे कि केक ऊंचा बनकर आएगा। 1 teaspoon इनो के साथ साथ आप यहाँ पर जो 1/4 cup दूध बचा था ना, वो भी आप इसके ऊपर डाल देना, और फटाफट से आपने अब हाथ चलाने हैं, फटाफट से आप इसको मिला देना। और अगर आपको लगता है कि आपका बैटर और गाढ़ा है तो आप इसमें डेफिनेटली और दूध डाल सकते हो, पर मेरे ख्याल से एकदम एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस हैं, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। फटाफट से आप इसको मिला देना और इसको ट्रांसफर कर देना अपनी केक टिन में या जिस भी चीज में आप बनाने वाले हो, फटाफट से करना, और इसको सीधा ही आप यहाँ पर बेक करने के लिए छोड़ देना लगभग 45 मिनट्स के लिए एकदम लो फ्लेम पर। दोस्तों 40-45 मिनट्स आराम से लग जाते हैं इस केक को बनने में एकदम लो फ्लेम पर, तो थोड़ा पेशेंटली आपको वेट तो करना पड़ेगा। अब 40 मिनट्स के बाद मैंने यहाँ पर टूथपिक डाल के देखी तो नीचे से हल्की सी गीली थी, हल्की सी मुझे फील हुआ कि अभी केक कच्चा है, तो मैंने इसको 10 मिनट तक और पकने दिया। सच बोलूं दोस्तों तो गैस टू गैस पे डिपेंड करता है अभी गैस की फ्लेम कितनी आती है, कितने हीट पहुंच पा रही है, पर जनरली जो टाइम फ्रेम जो लगेगा वो लगेगा 40-45 मिनट्स। मेरे को 55 मिनट्स के आसपास लगे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 40 मिनट्स के बाद आप एक बार चेक कर लेना टूथपिक डालकर, अगर क्लीन नहीं आती तो फिर आप क्या करना कि 10 मिनट तक ढककर एकदम लो फ्लेम पर आप पकने देना थोड़ी देर और फिर 10 मिनट बाद फिर चेक कर लेना। बस 50 मिनट्स के बाद मैंने केक को निकाल दिया और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दिया है, और फिर मैंने इसको डीमोल्ड किया है। थोड़ा सा ठंडा होने देना, फिर आप इसको डीमोल्ड करना, और बस आप जैसे ही बेकिंग पेपर हटाओगे आप देखो कितना बढ़िया केक निकल कर आया है। यकीन नहीं हो रहा ना कि ये एगलेस केक है? जी हाँ दोस्तों, एक कम्प्लीटली एगलेस केक है। मैं आपको काट के भी दिखाता हूँ, है ना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया स्पॉन्जी केक है। आप इसको दबा कर देख लो, रूई जितना सॉफ्ट केक है। मैं जानता हूँ जब आप इसको बनाओगे आपको बहुत पसंद आएगा ये। आप इसको ट्राई करके देखना इस क्रिसमस में, सीरियसली आपको बहुत पसंद आने वाला है। दोस्तों हर साल 24 दिसंबर आपके लिए तो क्रिसमस के लिए आता है जिसमें आप केक बनाते हो, लेकिन मेरे घर में बर्थडे के लिए केक बनाया जाता है क्योंकि मेरी वाइफ का बर्थडे होता है 24 दिसंबर को। तो हैप्पी बर्थडे प्रेरणा, गॉड ब्लेस यू। और अगर मेरी तरह आप सब लोग भी विश करना चाहते हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ। आप सबको मेरी क्रिसमस and a happy new year.